सत श्री अकाल आदाब नमस्कार, मैं हूं सुमरन हंस और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा से ये ट्रेंड रहा है फेस्टिवल्स के मौके पर मूवीज को रिलीज करने का। वहीं फेस्टिवल के मौके पर मूवी रिलीज करने का एक फायदा ये भी माना जाता है कि इस दिन छुट्टियां होती है और छुट्टियों का फायदा फिल्मों को अक्सर मिलता है। वहीं अगर हम बात करें इन फेस्टिवल्स पर फिल्मों को रिलीज करने का, तो तीनों खान्स ने अपने अपने फेस्टिवल्स ले रखे हैं। तीनों बड़े खान की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान यानी किंग खान और मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान, इन तीनों ने एक एक फेस्टिवल ले रखा है जिस मौके पर ये अपनी कोई बड़ी मूवी रिलीज करते हैं। वहीं सलमान खान की बात करें तो सलमान खान हर साल ईद के मौके पर अपनी एक मूवी लेके आते हैं, यानी ईद के मौके पर अपने फैंस को ईदी के रूप में वो एक मूवी जरूर देते हैं। वहीं अगर हम बात करें किंग खान यानी शाहरुख की, तो साल में आगे बढ़ते हुए दिवाली के मौके पर शाहरुख खान अपनी एक बड़ी मूवी दिवाली के मौके पर रिलीज करते हैं। जाते जाते साल में जब क्रिसमस आता है, तो क्रिसमस के मौके पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान अपनी मूवी रिलीज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें टॉप एक्टर्स की, तो इन तीनों खान्स के अलावा इंडस्ट्री के एक और टॉप एक्टर भी हैं जिनका नाम है खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय। वैसे तो अक्षय कुमार फेस्टिवल्स के मौके पर अपनी मूवीज कम ही रिलीज करते हैं या फिर कम ही ध्यान देते हैं फेस्टिवल्स के मौके पर अपनी मूवी रिलीज करने का, लेकिन अगर हम साल 2020 की बात करें, तो 2020 में अक्षय कुमार बिल्कुल रेडी हैं पूरे साल पर अपना कब्जा करने के लिए। यानी साल के चार बड़े फेस्टिवल्स पर उनकी चार बड़ी मूवीज आने वाली हैं। सबसे शुरुआती बात करें तो उनकी सूर्यवंशी आने वाली है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी, और ये मूवी रिलीज होने वाली है 27 मार्च को, यानी होली के बीच जाने के बाद। लेकिन होली के मौके पर भी कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही है, तो होली के पास आ रही है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी मूवी। साल में आगे बढ़ते हैं तो ईद के मौके पर लक्ष्मी बॉम्ब आने वाली है अक्षय कुमार की। लक्ष्मी बॉम्ब में वो कियारा आडवाणी के साथ नजर आएंगे और अलग से कैरेक्टर में हमें नजर आने वाले हैं अक्षय कुमार। वहीं दिवाली के मौके पर की बात करें, तो दिवाली के मौके पर अक्षय कुमार की फिल्म आने वाली है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान मूवी में वो पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। वहीं अगर हम इस फिल्म की बात करें, तो ये फिल्म केसरी के बाद अक्षय कुमार की सेकंड पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म की डायरेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। अब देखना ये होगा कि अक्षय कुमार दिवाली के मौके पर कितना बड़ा तोहफा देते हैं अपने फैंस को। वाली मूवी तो ऑलरेडी बड़ी है, बड़े बजट की है। इसके बाद हम बात करें क्रिसमस की, तो जाते जाते साल में क्रिसमस के मौके पर भी तोहफा देंगे खिलाड़ी कुमार अपने फैंस को। क्रिसमस के मौके पर वो रिलीज करने वाले हैं अपनी मूवी बच्चन पांडे। बच्चन पांडे की बात करें, तो ये मूवी की जब से फर्स्ट लुक आई है, तब से ऑडियंस में एक्साइटमेंट है इनकी मूवी को देखने के लिए, बिकॉज काफी अलग लुक में नजर आने वाले हैं अक्षय कुमार बच्चन पांडे मूवी में। बच्चन पांडे मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं फरहाद साम जी। अब देखना ये होगा, जब ये पूरे साल पर कब्जा किया है खिलाड़ी कुमार ने, तो क्या असर रहता है खान्स और उनकी फिल्मों पर भी, और अक्षय कुमार के फैन से इन फिल्मों को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन फिलहाल हम ये जरूर जानते हैं कि साल 2020 के बड़े फेस्टिवल पर खिलाड़ी कुमार का जलवा हमें देखने को जरूर मिलेगा। आप कितने एक्साइटेड हैं अक्षय कुमार की इन मूवीज को फेस्टिवल के मौके पर देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।